जे ब्यूटी का दिखा दे। हाँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो विच इज़ बिगिनर्स मेकअप किट पार्ट टू। और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ और ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी विच यू मस्ट हैव एज अ बिगिनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द आई शेडो पैलेट्स। और सबसे पहले जो आई शेडो पैलेट है वो है मिस रोज की ट्वाइलाइट डस्क पैलेट। ठीक है, इस तरह की ये पैलेट है और मुझे इसके ऑलमोस्ट सारे शेड्स ही पसंद हैं, क्योंकि जितने भी है ना, जितने भी यहाँ पे शेड रेंज है, ये सारी यूज़ हो सकती है। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो ये सारे शेड्स बहुत ही यूज़ेबल हैं। और ये जो पैलेट है ना, ये काफ़ी पिगमेंटेड है और महंगी भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने ये स्वाचेस किए हैं, सो दिस पैलेट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। मेरे ख्याल से ये जो पैलेट है ना, ये 1000 रुपीज़ में आ जाती है, लेकिन इट्स वर्थ योर मनी। तो एक ये पैलेट मैं रेकमेंड करूंगी, ट्वाइलाइट डस्क पैलेट आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो काफ़ी अच्छी है। शिमर्स थोड़े से मुश्किल से लगते हैं लेकिन लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे म्यूसिन वालों की एक फेस पैलेट रिसीव हुई है एंड आई एम इन लव, क्योंकि उसके इतने अच्छे पिगमेंट्स हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आई शेडो पैलेट के साथ साथ एक फेस पैलेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और वो है ये वाली पैलेट। ठीक है, और लेट मी शो यू, ये देखें इतने प्यारे कलर्स हैं, सारे यूज़ हो सकते हैं। इसमें ब्लशेस भी हैं, आई शेडोज भी हैं, और ये तीन कलर के हाइलाइटर्स भी हैं। ठीक है, इसके स्वाचेस भी करके दिखा देती हूँ। ये देख, मैंने हाथ साफ कर लिया था और अब हम स्वाचेस करते हैं। सबसे पहले ये स्वाचेस करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, पर ये कर लेते हैं। लुक एट दिस। अच्छा, तो आई शेडो पैलेट्स या फेस पैलेट्स के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें। फेस पैलेट्स में इन्वेस्ट कर लें तो आप लोगों को हाइलाइटर नहीं खरीदना पड़ेगा, आप लोगों को आई शेडो अलहदा से नहीं खरीदने पड़ेंगे, ब्रशेज अलहदा से नहीं खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली पैलेट जो है ये काफ़ी अच्छी है, ये आप लोग खरीद सकते हो। और जो ये जहाँ से आप परचेज कर सकते हो ना, उसके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पर इनकी वेबसाइट्स है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बारी आती है हाइलाइटर्स की। हाइलाइटर्स मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, वो वाले मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। ठीक है, तो हाइलाइटर मैं दो ले आई हूँ, एक ये है क्रीम हाइलाइटर और ये एक पाउडर हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड का। और मस्ट हैव्स, अगर आप लोगों को जो है क्रीम हाइलाइटर्स, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है ना, तो ये वाला खरीद लो। ये 2-in-1 है, एक साइड पे इसके कॉन्टोर है, कॉन्टोरिंग जो करते होते हैं, और साथ में हाइलाइटर है। ठीक है, और मेकअप जो होता है ना, वो हाइलाइटर के बजाय अधूरा होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो है इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। मेरे पास जो है ना, ये टूटा पड़ा हुआ है हाइलाइटर, लेकिन ये जो है ना, इसकी पिगमेंट बहुत प्यारी है। ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, ये वेट एंड वाइल्ड का, इट्स अराउंड 1200 या 1000 रुपीज, लेकिन बहुत टाइम चल जाएगा, तो अगर खरीदना है तो ये वाला। ठीक है गाइस, अच्छा, और इसके अंदर ना पिंक शेड ना खरीदना आप लोग, इसके अंदर एक पर्ल कलर का शेड मिलता है, वो खरीदना। इस तरह का हाइलाइटर है सीवीबी वालों का, ये जो हमारा लिक्विड स्टिक हाइलाइटर है। ठीक है, मैं ये लगा के दिखा देती हूँ, ऑल दो मैंने लगाया है थोड़ा थोड़ा, बट कहाँ लगाऊं, ये रखा। ठीक है, बहुत ही एक नेचुरल सी एक ग्लो आती है इससे फेस के ऊपर, तो इसलिए मैं ये वाला रेकमेंड करूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्टोर्स। और कॉन्टोर्स अगर आप लोगों ने अलहदा से नहीं खरीदने तो फिर यही वाली खरीद लो। ठीक है, कॉन्टोर्स के अंदर मेरे पास एक ये है क्रिस्टीन की पैलेट, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। और उसके अलावा मुझे ये एक आई थी पीआर में, ये है ओटुओ की पैलेट। ठीक है, दोनों बहुत अच्छी हैं और बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ये वाली खरीद लो, सस्ती है ये काफ़ी। मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, लेकिन ओटुओ की प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी अफोर्डेबल होती हैं। ठीक है, तो अब स्वाच करके दिखा देती हूँ, नज़र आ भी रही है। हाँ ठीक है, तो ये सारे कॉन्टोर्स नहीं है, ये फेस पाउडर के तौर पे यूज हो सकता है, ये भी एज इन अगर आप लोगों ने आई शेडोज की एप्लीकेशन करनी है तब यूज हो सकता है, ये एज अ ब्रॉन्जर और ये एज अ कॉन्टोर। ठीक है, नाम इसका जो है वो कॉन्टोर किट है। और आती है क्रिस्टीन की ये वाली पैलेट। ठीक है, और ये वाली पैलेट जो है गाइज,
ये काफ़ी पिगमेंटेड है, ठीक है, और मैं इसमें से जो है ना दोनों मिक्स शेड करती हूँ और मैं आराम से कॉन्टोर की एप्लीकेशन से हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ मैं ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी पिगमेंटेड है, लेकिन ये अच्छी पैलेट है और इट्स वेरी अफोर्डेबल। आई थिंक इट्स अराउंड 300 to 400 रुपीज़ जब मैंने खरीदी थी, इट्स बिन अ ईयर नाउ, तो अच्छी पैलेट है, ठीक है। अब जो है मैं रिकमेंड करूँगी लाइनर, ठीक है। सो गाइज आई एम हेयर विद टू लाइनर्स, ठीक है। जो पहला लाइनर है ये है जे ब्यूटी का। जे ब्यूटी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी हैं, ठीक है, काफ़ी ये एक्सपेंसिव इनकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ही आउट क्लास प्रोडक्ट्स हैं। मैंने इनकी अभी तक जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए ना, आई लव दोज, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है ना लाइनर, ये है O2O का, और O2O की प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं दिखा देती हूँ। ये है O2O का लाइनर, ठीक है, और मार्कर लाइनर है, और फिर अब जो है जे ब्यूटी का दिखा दें। एंड आई जस्ट ब्रोक समथिंग, टूट गया, सारा टूट गया, दुख हो रहा है। एनीवेज बैक टू द वीडियो, और मुझे काफ़ी दुख है कि मेरी एक पैलेट टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो बन गई है। अच्छा, अब ये जो है ना जो जे ब्यूटी का है लाइनर, वो है 2-in-1, ठीक है। ये देखें, ये जो है ये लिक्विड साइड है, ठीक है, और ये जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये इस तरह से बंद होता है, ये ऐसे खुलता है, ये है हमारा मार्कर साइड, ठीक है। अब मार्कर साइड का स्वॉच करें, ये मार्कर साइड, और ये रही हमारी लिक्विड साइड। इसके अलावा ना एक और लाइनर है जो मैं रेकमेंड करूंगी, वो स्टैम्प लाइनर है मिस रोज का। मेरे पास जो था वो खत्म हो गया, मैंने इतना ज्यादा यूज कर लिया था, तो वो लोग वो भी आप लोग खरीद सकते हो मिस रोज की वेबसाइट्स के ऊपर से। अभी ये फिलहाल आप लोग स्वॉचेस देख लो, मेरे पास जब वो होगा तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट जो आप लोगों को अभी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड योर किट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे मैं ऐसा की वीडियोस अच्छी और हेल्पफुल लेके आती रहूँगी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।